इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 का नाइन्थ प्रॉब्लम साइन इनवर्स ऑफ 1-25x² डिवाइड बाई 1+25x², इसका डेरिवेटिव किस तरह निकालना है देखेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बोल देंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1-25x² डिवाइड बाई 1+25x². अभी ये ऐसा लिखा हुआ है। ओके हम लोग 25x² को कैसा लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मेट क्या लिख सकते हैं, अगर होल ब्रैकेट स्क्वायर में लिखना हो क्या लिख सकते हैं, 25 का किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है इनटू x² अभी दोनों को स्क्वायर है ना। अभी हम लोग काम करते हैं 5x को कंबाइन करते हैं और एक बार लिख देते हैं ब्रैकेट स्क्वायर। अभी देखिए 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x², यानी कि हम लोग 25x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 5x ब्रैकेट स्क्वायर, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1-5x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाई 1+5x ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आप इस फॉर्मूले को देखिए, हमको यहाँ पे साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमको यहाँ पे कैसे भी करके साइन बनाना है। ओके लेकिन साइन नहीं बना सकते हम डायरेक्टली, हमको सबसे पहले कॉस बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मेट जो है कॉस का है। ओके इससे हम कॉस का फॉर्मेट सेट करेंगे और कॉस से हम लोग साइन बनेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा कॉस साइन 90-थीटा। ओके कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90-थीटा वो यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले काम करते हैं डेरीवेटिव अप्लाई, इसको थोड़ा सा पहले रिजॉल्व करते हैं। सो सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वो भी टेन थीटा 5 इंटू एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ओके तो थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट टेन इनवर्स ऑफ 5x। ओके अभी इस वाले इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1-, देखिए 5x की जगह पे tan थीटा पुट किया और ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया 1-tan² थीटा। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1+tan² थीटा, देखिए 1+5x की जगह पे यहाँ पे भी tan थीटा और ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। सो अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos 2 थीटा से। ओके अभी ये कट नहीं हो रहा है, हमको इससे cos 2 थीटा से क्या बनाना है, sin थीटा बनाना है। आपको ये फार्मूला मालूम होगा cos थीटा इज इक्वल टू sin 90-थीटा, ये फार्मूला आपको मालूम होगा। सो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos, या एक्चुअली क्या है cos 2 थीटा, यानी हर जगह क्या रहेगा, यहाँ पे भी 2 थीटा और यहाँ पे भी 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा sin 90-, थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 2 थीटा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा, अगर यहाँ पे 3 थीटा रहता तो 3 थीटा, 4 थीटा रहता तो 4 थीटा, जो जितने थीटा हैं उतने ही आएंगे यहाँ पे भी। ओके अभी यहाँ पे देखिए sin इनवर्स और sin कैंसिल हो गए एक दूसरे को, ठीक है क्या बचा फिर, सिंपल y इज इक्वल टू π/2-2θ। अभी देखिए यहाँ पे थीटा है ना हमारे पास, हमारा इक्वेशन किस में होना चाहिए था, x में होना चाहिए था, हम थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, हमारे पास थीटा का रिप्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ 5x, तो y इज इक्वल्स टू π/2-tan इनवर्स ऑफ 5x। अब नेक्स्ट स्टेप में पूरा रिजोल्यूशन हो गया, सिंपल हो गया, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ओके यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, वो करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 2θ और यहाँ पे भी क्या आएगा फिर 2 tan inverse of 5x। ओके अभी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे dy/dx π/2-2tan inverse 5x। ओके आपको दिख रहा है, अभी क्या आएगा dy/dx, आपको π/2 का डेरिवेटिव सिंपल मालूम है 0-2 मल्टीप्लाइड है, उसको पहले मैं बाहर लिख लेता हूँ, अभी ब्रैकेट डाल देता हूँ। अभी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्या है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1+x², लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या मौजूद है 5x, तो वो आ जाएगा। अभी वो आ गया ना, उसके साथ उसका क्या अप्लाई होगा, चेन रूल फॉर 5x। सो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx इक्वल्स टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, -(+-2, 1 + 2) डिवाइड बाई
वन प्लस फाइव का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अभी 5x का डेरिवेटिव, तो 5 मल्टीप्लाइड है बाहर आ गया, ओके बचा क्या x, x का डेरिवेटिव क्या है सिंपल 1, तो यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 5 टू ज़ा 10 प्लस इंटू माइनस 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 10, ओके डिवाइड बाई 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। सो यहाँ पे मेन स्टेप आपको खाली क्या नोटिस करनी है, सिर्फ ये सिंपल कन्वर्जन, ताकि आप क्या बिल्डअप कर सकें टैन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस टू थीटा के लिए, और कॉस टू थीटा से साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और बाद में कैंसिल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।